हर्षिका कौन? हेलो हेलो, और कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं तेरे घर आ जाता हूँ, फिर हम लोग मूवी पे चले घूमने के लिए। बहुत दिन हो गए, तू ऑफिस भी नहीं आ रही है। अरे नहीं यार, आज नहीं, एक्चुअली मैं आज पैकिंग कर रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ, राहुल के पास। क्या वो राहुल तेरा बॉयफ्रेंड? हाँ राइट। लेकिन तू तो अपने यहाँ रहती थी ना, तो राहुल के पास क्यों जा रही है, क्या हो गया? यार बस हमारा प्लान बन गया लिविंग में रहने का, तो बस लिविंग में रहेंगे अब हम। देख मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये लिविंग विविंग के चक्कर में मत फंस। अब ये लड़के बहुत ख़राब होते हैं, हम मैं खुद एक लड़का हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अरे यार प्लीज़ ऐसी बातें मत कर, मुझे पता है राहुल बहुत एक अच्छा इंसान है। देख मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि राहुल अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अगर तुझे लिविन में ही रहना है तो शादी कर लेना। देख यार मैं समझती हूँ कि तू मेरा दोस्त है और मेरे लिए फिक्र कर रहा है, सॉरी यार, बट देख मेरी बात को भी तू समझ। अब हमने प्लान बनाया है लिविंग में रहने का, पहले हम लिविंग में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद ही शादी का फैसला लेंगे। देख मेरा काम था तुझे समझाना, अब तू मानेगी तो है नहीं, तो कोई नहीं कर ले पैकिंग और चले जा रहने। लेकिन सुन, अगर तुझे कोई भी दिक्कत या परेशानी लगे ना तो मुझे बता दियो, और ध्यान रखियो कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके बाय बाय। ये हर्ष भी ना कितनी फिक्र करता है मेरी। चलो, अरे मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए, राहुल मेरा वेट कर रहा होगा। मैं आ गई। तुम तो एक घंटे पहले आने वाली थी, कहाँ रह गई थी? अरे वो सब छोड़ो, अब ये बताओ मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? हाँ आओ, हाँ जाओ लाओ सामान मुझे दे दो। तो ये है हमारा रूम। हमारा मतलब ये रूम मेरा है ना आई थिंक, और तुम तो दूसरे रूम में सोओगे। नहीं नहीं मैं दूसरे रूम में क्यों सोऊंगा, यहाँ पर हम दोनों ही सोएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अरे हम दोनों तो अलग अलग सोएंगे ना। तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम लिव इन में रहने आई हो मेरे साथ, और अगर मुझे जानना है तो सुबह से लेकर रात तक पूरी तरह से जानना होगा ना, इसीलिए इस बेड पे हम दोनों साथ में सोएंगे। नहीं देखो ये गलत है, और शादी से पहले हम इस तरह नहीं रह सकते, इसलिए तुम अलग रहोगे और मैं अलग। देखो हम एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सब करेंगे जो शादी के बाद करा जाता है, तो इसीलिए मैं अलग रहूंगी और तुम अलग। यार तुम कैसी अजीबोगरीब बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो लिव इन में कपल्स ऐसे ही रहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरा दोस्त है ना वो भी रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में, वो लोग सब कुछ वैसे ही करते हैं। देखो अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, और मुझे भी समझना पड़ेगा, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक हम एक ही कमरे में रहेंगे एक साथ, तभी तो हम समझ पाएंगे एक दूसरे को। मैं सब समझ गई, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी, तुम्हारी सोच ऐसी है ये मैंने सोचा भी नहीं था, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। अच्छा 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 सुनो, अब ये बैग मैं यहाँ रख देता हूँ, हम लोग बाहर चलते हैं, तुम धूप से आई हो ना, तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा, चलो बाहर बैठ के आराम से बात करते हैं, नहीं सोएंगे हम साथ में, खुश आओ। बैठो। देखो तुम खामखा गुस्सा कर रही हो, तुम्हें अगर मेरे साथ एक ही रूम में नहीं सोना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी अभी तुम फर्स्ट टाइम आई हो, धीरे धीरे तुम्हें आदत लग जाएगी, और जब तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं बाहर सोफे पे सो जाया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी से पहले मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, और फिर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। अब बातों बातों में देखा तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। ओहो आज मैं साड़ी पहन के आई तुम्हारे लिए। तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, पहले मैंने देखा तो मुझे लगा कहीं तुम दुल्हन के लिबास में तो नहीं आ गई। एक काम करो तुम रूम में जाके आराम करो, थक गई होगी ना। हाँ ऐसा फील तो हो रहा था थकान से। चलो ठीक है। सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया इसने, एक तो इतनी मुश्किल से सेट करा इसके, इतने प्यार से बुलाया मनाया, सोचा लिव इन में रहेंगे साथ में सोएंगे,
और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ ज्यादा चला के दिखा रही है ये, क्या करूं इसे? सोच राहुल सोच, कुछ सोचना पड़ेगा। ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए, वैसे भी बहुत मोटी सामी है, इसे पटा लिया तो मजा ही आ जाएगा। एक काम करता हूं, तुम चाय पियोगी? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कड़क चाय बना के लाता हूं। पता नहीं अकेला क्या कर रहा होगा। चलो मैं काम करती हूँ, मैं उसकी हेल्प करा देती हूँ। चाय तो तैयार हो गई, लेकिन पहले इसमें अपना स्पेशल मसाला तो मिला दूं। सोचा तो नहीं था कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अब ये मेरी बात नहीं मान रही तो क्या ही करूं। हाँ अब ठीक है, चलो अब इसको करता हूँ अपने काबू में। बहुत बन रही थी कि मैं साथ में नहीं सोऊंगी, एक बिस्तर पे नहीं सोऊंगी। अब देखता हूँ किसे मुंह दिखाती है। मुझे मना किया था तूने, अब तो गई बेटा। अरे ये क्या किया राहुल ने, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसने मेरी चाय में क्या मिलाया है ऐसा? पता नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? बेबी। अरे तुम आ गए। आपकी कड़क चाय, आपकी कड़क चाय। ये लो मेरे हाथ की चाय पियो, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अरे वो सुनो, मेरा ना फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो मेरा प्लीज चार्जर ले आओ ना बाहर से। अरे चार्जर कहाँ जा रहा है, चार्जर आ जाएगा, तुम चाय तो पी लो। अरे प्लीज समझो ना, देखो मेरा फोन बंद हो जाएगा और मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल आए तो, इसलिए प्लीज चले जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो, मैं तब तक आता हूँ। ठीक है। बेबी तुम्हारे बैग में तो चार्जर नहीं है, मैं कहीं और ढूंढूं? कोई बात नहीं, चलो ठीक है चाय पीते हैं। ठीक है पियो, तुम्हें मजा ही आ जाएगा और ये चाय याद रहेगी तुम्हें। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। कहा था ना अभी और पियो, आगे देखना क्या होता है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं अभी तो ठीक था। अच्छा तो ये था इसका प्लान, मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाकर मेरा फायदा उठाना। इसका मतलब हर्ष सही कह रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। कितना प्यार करती थी मैं तुम पे, और वही भरोसा करके मैं तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन तो मुझे लेके अलग ही है। खटिया इंसान, आप एक काम करती हूँ यहाँ से निकल जाती हूँ, वरना अगर इसे होश आ गया तो कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।